बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल और रहमत और शुक्र के साथ आज मैं जिस कार का रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये पौने तीन मरले का कॉर्नर गा रहा है। ये नई हालत में गा रहा है, ये बिल्कुल नया गा रहा है। ये देखें, इसको तीनों तरफ से गलियाँ लगती हैं। इधर भी ये गली लगती है, इधर से भी गली लगती है। इसको इसके साथ से जो गली है बैक साइड से, इधर से भी गली लगती है। इसका फ्रंट आपने देख लिया है, इसका सेपरेट दरवाज़ा है ऊपर सीढ़ियों वाला, सीढ़ियों के लिए, ठीक है ना। तो ये इस कार पोच के लिए यहाँ पे मेरान कार इजीली खड़ी हो सकती है, ठीक है। सामने एक बड़ा बेडरूम बनाया हुआ नीचे, ठीक है ना। ऊपर दो बेडरूम है, फिर उसके ऊपर तीसरी स्टोरी पे भी दो बेडरूम है। ये इसका बेडरूम है इस तरह का, ठीक है ना। अच्छा खासा बड़ा बेडरूम है, ठीक है जी। ये इसकी ऑफ वाइट डिस्टेंपर हुआ है, बिल्कुल अच्छी हालत में नया कार है। तो ये इसकी बाहर वाशरूम दी हुई है कार पोच के साथ सीढ़ियों के नीचे, ठीक है ना। वाशरूम में सारा काम हुआ हुआ है। ये नीचे मोटर का सेटअप बना हुआ है, ठीक है। इसमें बिजली, पानी, गैस तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ये इसका मेन गेट है जहाँ से इंटर हुए हैं। ये स्टेयर हैं जो ऊपर दूसरी स्टोरी पर जाती हैं, ठीक है। दूसरी स्टोरी पर दो बेडरूम बने हुए हैं, दो किचन बाथ बने हुए हैं। ये आपको स्टेयर से ऊपर चढ़ते दिखाते हैं। तो ये सामने जो ये एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बेडरूम बाथ दी हुई है, साथ सिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह की इसकी बाथ टाइल मार्बल हर चीज़ लगी हुई है। तो ये इस तरह के ये यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ चढ़ के, ये स्टेयर्स हैं ऊपर तीसरी स्टोरी पे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बेडरूम बने हुए हैं, ये एक पहला बेडरूम है। ये देखें बहुत ही प्यारा है, इस तरह का नीचे मार्बल लगा हुआ है, ऑफ वाइट दीवारों पर डिस्टेंपर हुआ हुआ है। तो इस तरह की छत है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जी पहला बेडरूम है। तो ये इसके साथ दूसरा बेडरूम है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये जी इसका दूसरा बेडरूम है, इसमें विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है ना। जिस तरह के बेडरूम में ऊपर अलमारी खिड़कियाँ लगी हैं, ऊपर पंखा लगा हुआ है, वाइट टेम्पर हुआ है दीवारों पे। तो ये इधर से फिर बाहर आते हैं, साथ ये किचन दिया हुआ है, क्लोज किचन है। किचन में भी ये देखें सारा काम हुआ है, हर तरह के विंडो है साथ बाहर गली में जो खुलती है नीचे करके, ठीक है। ये सामने टेरेस का एरिया है, यहाँ पे खिड़की लगाई है ना, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में खोल दें हवा वगैरह आने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। ये तीसरी स्टोरी पे जाते हैं स्टेयर चढ़ के जी। तीसरी स्टोरी पे भी दो बेडरूम बने हुए हैं, किचन बना हुआ है, बाथ बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर आते हैं जी, तो ये दो कमरे बने हैं लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। सामने ओपन किचन दिया हुआ है, ये एक बेडरूम है इस तरह का, ठीक है ना। तो ये ऊपर पंखा लगा हुआ है, आप भाई डिस्टेंपर हुआ हुआ है। तो ये दूसरा बेडरूम है, इसके साथ ये विंडो भी है भाई जो गली में खुलती है। ये ओपन किचन दिया हुआ है। तो ये जो ये ओपन किचन है, इसमें हर तरह का काम हुआ है। अच्छा ये गैलरी अभी यहाँ पे ये जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, तो बाहर बहुत ही अच्छा है, शाम का व्यू है, शाम को आप एंजॉय कर सकते हैं। टेरेस का एरिया बाहर ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, क्योंकि ताला नहीं खुल रहा है इसका। तो ये जो बाहर देखें, इसका जगह छोड़ी हुई है टेरेस के लिए। तो इस कार की जो डिमांड है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बिजली, पानी, गैस तीनों चीज़ें मौजूद हैं।